हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी का ग्रैंड एग्जीबिशन आपके पसंदीदा ब्रांड दगरू सेठ ज्वेलर्स जीएम रोड दरभंगा में 21 नवंबर से सिर्फ 4 दिनों के लिए। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। दरभंगा में इससे सस्ता कहीं नहीं, टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट की फुल रेंज, ऑथराइज्ड डीलर कजारिया हिंदवेयर, बाथ एंड किचन फिटिंग्स, मकान बनाने का सारा सामान, MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट लहरिया सराय। अग्रवाल मेंस टच, अ कंप्लीट मेंस वियर एंड वेडिंग स्टोर, हसनचक पेट्रोल पंप के बगल में लाल बाग दरभंगा। दिवाली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, बाकरगंज जामा मस्जिद के सामने लहरिया सराय, एक ही छत के नीचे कपड़े एवं रेडीमेड के सभी ब्रांड उपलब्ध। पिछले 12 वर्षों का है हमारा विश्वसनीय शानदार रिकॉर्ड, हज और उमरा करिए हमारे साथ, नफीसा हज एंड उमरा ट्रेवल्स, बाजार समिति के सामने शिवधारा दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। डॉक्टर और इंजीनियर फैकल्टी टीम के साथ करें तैयारी नीट, जी और बोर्ड की, जो पिछले 3 साल से दे रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट। एडमिशन ओपन, ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा। पटना में सुबह सुबह अपराधियों का तांडव, आभूषण व्यवसायी से 1 करोड़ से अधिक के सोने की लूट, 2.5 लाख कैश भी लूटे। यह बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में सुबह सुबह अपराधियों ने जमकर तांडव किया है। अपराधियों ने 1 करोड़ से अधिक के सोना समेत 2.5 लाख कैश की लूट कर ली है। मामला बेहटा के कन्हौली बाजार का बताया जा रहा है। यहाँ की एक ज्वेलरी दुकान कन्हौली बाजार निवासी जितेंद्र गुप्ता की गुप्ता ज्वेलर्स में अपराधियों ने धावा बोलकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना के विरोध में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़क पर आगजनी कर सभी विरोध जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार पटना से सटे बिहटा में सुबह सुबह अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर अपराधियों ने 2 किलो सोना लूट लिया, साथ में 2.5 लाख रुपए कैश भी ले भागे। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करते हुए जमकर हंगामा किया है। सड़क पर आगजनी कर नारेबाजी की जा रही है। लूटे गए सोने की कीमत तकरीबन 1 करोड़ से भी अधिक की बताई जा रही है। जैसे ही जितेंद्र गुप्ता दुकान खोलने पहुंचे, उन्होंने दुकान खोलने का प्रयास ही किया, वहां घात लगाए बाइक सवार 2 अपराधियों ने पिस्तौल सटाकर उनके पास से थैला लूट लिया। उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जान मारने की धमकी दी गई। लोगों की भीड़ भी जुट गई, लेकिन अपराधियों के हाथ में पिस्तौल देख किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और इस दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम देकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली।